ये बनारस है, इसे पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र कहें या बाबा विश्वनाथ की नगरी, लेकिन यहाँ के रेलवे स्टेशनों पर कितनी सुरक्षा रहती है इसका रियलिटी चेक आज ईटीवी ने किया है, जहाँ सुरक्षा से जुड़े कुछ सवालों के जवाब भी मिल गए। वाराणसी में आने के सबसे बड़े दो गेटवे कैंट और मंडुआडी रेलवे स्टेशन पर रोज हजारों लाखों लोग आते जाते हैं, लेकिन प्रशासन की लापरवाही की बात करें तो ये कि स्टेशन पर किसी तरह की कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। किसी तरह की चेकिंग और गार्ड की व्यवस्था वाराणसी के इन दोनों स्टेशनों पर मौजूद नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी और 2019 के लोकसभा चुनाव, इन सब के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी कड़ी होनी चाहिए। किसी भी शहर के आवागमन का पहला रास्ता होता है वहाँ का रेलवे स्टेशन, और इसीलिए ईटीवी ने आज वाराणसी के रेलवे स्टेशन का किया है रियलिटी चेक। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस रेलवे स्टेशन की, जो कि कैंट पर है, इसकी इस समय सुरक्षा व्यवस्था के क्या हालात है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोई भी तैयारी नहीं की गई है। इस रेलवे स्टेशन पर एंट्रेंस और एग्जिट में ना ही आपको कोई भी सुरक्षा व्यवस्था के औजार मिलेंगे और ना ही कोई गार्ड। लोग आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ तक कि उनके सामानों की भी चेकिंग करने की सुविधा नहीं है, वो भी तब जब पूरे देश में इस समय अलग अलग तरीके के हमले हो रहे हैं। हाल ही में हुआ अमृतसर में ग्रेनेड से हमला इस बात को दर्शाता है कि देश में सुरक्षा व्यवस्था की कमी है, और इसीलिए देश के रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स पे सुरक्षा कड़ी होनी चाहिए। इस समय हम आपको लेकर के चल रहे हैं कैंट रेलवे स्टेशन के एंट्रेंस की तरफ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग बेरोक टोक आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। यहाँ ना ही कोई गार्ड खड़ा है, ना ही जीआरपी के जवान, जो कि लोगों के सामान की सुरक्षा कर सके। लोग किस तरीके से और क्या लेकर के आ जा रहे हैं, इस पर भी किसी का ध्यान नहीं है। ये तो सिर्फ एक रेलवे स्टेशन के हालात है। हम आपको आगे भी लेकर के चलेंगे वाराणसी के कुछ महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पर। कैंट स्टेशन शहर का सबसे ज्यादा व्यस्त रेलवे स्टेशन है। यहाँ से रोजाना न जाने कितनी ट्रेनें देश के कितने ही कोनों में जाती और आती हैं, लेकिन आपको किसी एंट्री और एग्जिट के रूट पर कोई भी किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था का नजारा देखने को नहीं मिलेगा। ना ही कोई जीआरपी गार्ड किसी भी रूट पर मौजूद है और ना ही स्टेशन पर कोई एक्सरे मशीन दिखेगी। यात्री अपने साथ क्या सामान ला रहा है इस बात की तहकीकात करने वाला भी कोई मौजूद नहीं है। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की हरकत पर नजर रखने के लिए भी किसी तरह की कोई प्रणाली मौजूद नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल शहर के एक और बड़े रेलवे स्टेशन मंडुआडी का भी है। गौरतलब है कि ये वही रेलवे स्टेशन है जहां हाल ही में वाराणसी में अपने दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पहुंचकर निरीक्षण किया था, पर शायद इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया कि स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था के कोई पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं। इस समय कैंट स्टेशन के बाद अब हम मौजूद हैं मंडुआडी स्टेशन पे वाराणसी का। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है और इसकी महत्ता इस बात से आंकी जा सकती है कि इस पे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर निरीक्षण कर चुके हैं। पर यहाँ के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। यहाँ पर भी एंट्रेंस पर कोई ऐसी सिस्टम या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे ये पता किया जा सके कि यहाँ पर आने जाने वाले यात्रियों के सामान में क्या है और किस तरीके से सुरक्षा को यहाँ पर देखा जा रहा है, इसके भी कोई पुख्ता इंतज़ाम नहीं है। ये वही स्टेशन है जहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण गाड़ियाँ जाती हैं। वाराणसी से दिल्ली, इलाहाबाद, बेंगलोर जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं, पर यहाँ भी ना ही कोई जीआरपी का ऑफिसर मौजूद है, ना ही कोई सुरक्षा गार्ड, और ना ही कोई ऐसा स्कैनर है जिसके थ्रू आने जाने वालों के सामानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई जा सके। दोनों ही नजारों के बाद जब ईटीवी ने रेलवे पुलिस से बात करने की कोशिश की तो जीआरपी का दावा है कि सुरक्षा पर पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है। जीआरपी के उप निरीक्षक संतोष कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम स्टेशन पर मौजूद हैं। संतोष कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि देव दीपावली को देखते हुए सभी तरह की तैयारियां मुकम्मल कर दी गई है। आजकल देव दीपावली का मद्देनजर प्लेटफार्मों पर चेकिंग की जा रही है। इसमें संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, विस्फोटक पदार्थ, चूँकि कई बार विस्फोटक का भी यहाँ आया है। उधर जौनपुर में भी श्रमजीवी विस्फोट 12-13 साल पहले हुआ था,
उसके मद्देनज़र रखते हुए हम लोग, और देव दीपावली जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है, इसको देखते हुए हम लोग चेकिंग करते हैं। उसमें चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, विस्फोटक पदार्थ आदि को मद्देनजर रखते हुए चेकिंग करते हैं। भले ही जीआरपी लाख दावे कर रही हो, पर कैमरे में कैद हुई सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के नाते किसी भी तरह की अप्रिय घटना के लिए ये शहर हमेशा से ही टारगेट बना रहता है। ऐसे में इस तरह की लापरवाही को आम नहीं समझा जा सकता है। ईटीवी के लिए वाराणसी से अरुणिमा द्विवेदी की रिपोर्ट।